25 साल के पल्लवी पुरकायस्थ और 26 साल के अविक सेन गुप्ता मुंबई के वडाला में हिमालयन हाइट्स अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पल्लवी फिल्म निर्माता फरहान अख्तर की कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट की कानूनी सलाहकार थी और अविक भी उसी कंपनी में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। पल्लवी के पिता अंतनु पुरकायस्थ 1983 बैच के IAS हैं और उस समय केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। पल्लवी की माँ सुमिता पुरकायस्थ दूर संचार विभाग में संयुक्त सचिव थी। दोनों ही दिल्ली में रह रहे थे, जबकि अविक के पिता डॉक्टर आलोक सेन गुप्ता जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक विभाग के प्रमुख थे। पल्लवी अविक के माता पिता से मिलने जमशेदपुर गई थी। वहां से वापस मुंबई आने के कुछ समय बाद पल्लवी की उन्हीं के फ्लैट में हत्या कर दी गई। पुलिस ने कातिल को पकड़कर जेल में डाला, लेकिन वो पैरोल पर छूटा और फिर कभी लौटा ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। वो 9 अगस्त की रात थी। अविक ऑफिस में थे और पल्लवी घर पर अकेली थी। सुबह लगभग 5 बजे जब अविक घर आए तो उन्होंने पल्लवी को खून से लथपथ देखा। वे उसको लेकर तुरंत अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही पल्लवी मर चुकी थी। पल्लवी की हत्या से मुंबई में सनसनी फैल गई थी। जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला कि बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड सज्जाद अहमद मुगल उर्फ पठान गायब है। मुखबिरों की मदद से क्राइम ब्रांच ने सज्जाद को मुंबई सेंट्रल स्टेशन से उस वक्त पकड़ा जब वह ट्रेन पकड़कर मुंबई से भागने की फिराक में था। भले ही इस हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटों के भीतर ही धर दबोचा था, बावजूद इसके आरोपी कुछ ऐसा कर गया जिसकी वजह से मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला सज्जाद अहमद उसी अपार्टमेंट का चौकीदार था जिसमें पल्लवी और अविक रहते थे। सज्जाद ने बताया कि वह पल्लवी की तरफ आकर्षित था और मौके की तलाश में रहता था। 9 अगस्त 2012 को अविक की नाइट शिफ्ट थी। सज्जाद को इसका पता था। हत्या वाले दिन पल्लवी रात को लगभग 1 बजे अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके घर में बिजली नहीं है। पल्लवी ने सिक्योरिटी गार्ड से बिजली ठीक करने वाले को बुलाने के लिए कहा। सज्जाद ने ही एक सोची समझी साजिश के चलते पल्लवी के घर की बिजली को काटा था ताकि उसे पल्लवी के घर में आने का मौका मिल सके। जिस समय पल्लवी के घर की बिजली ठीक हो रही थी उसी दौरान सज्जाद ने उनके घर की चाबी चुरा ली। रात करीब 2:45 बजे सज्जाद चुराई हुई चाबी से दरवाजा खोलकर बुरी नीयत से घर में घुसा। उसके पास चाकू था। जैसे ही सज्जाद पल्लवी की तरफ बढ़ा तो पल्लवी ने विरोध करते हुए सज्जाद के साथ खूब लड़ाई की। उसके सिर के बाल नोच लिए, दांतों से उसका एक हाथ काट लिया। वह मदद के लिए भी चिल्लाती रही। पड़ोसी तो नहीं आए, लेकिन पल्लवी के विरोध की वजह से सज्जाद डर गया। उसने चाकू से पल्लवी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी जीभ काट दी। पल्लवी के सीने, पेट, गर्दन और चेहरे पर चाकू से 16 बार हमला किया गया था। पल्लवी को घायल कर सज्जाद जब भागने लगा तो वो उसका पीछा करते हुए बाहर तक आई थी। फ्लैट के बाहर लगे खून के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे। घर के अंदर भी दोनों में जबरदस्त संघर्ष के निशान मिले थे। सज्जाद भागकर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और उसने वहां अपना चाकू छुपा दिया और भाग खड़ा हुआ। सुबह लगभग 5 बजे जब अविक घर आया तो पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। अविक सेन गुप्ता पल्लवी का लिव इन पार्टनर था और दोनों शादी भी करने वाले थे। पल्लवी की मौत से अविक बुरी तरह टूट गया और बीमार रहने लगा। गहरे डिप्रेशन में जाने के कारण उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। 14 नवंबर 2013 को मुंबई के PD हिंदुजा हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। पल्लवी और अविक के परिजनों ने अदालत में सज्जाद के लिए फांसी की सजा की मांग की। उस केस को अब लॉजिकल एंड में लाना चाहिए, उसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए, जो क्राइम उसने किया था उसी को परसू करना है। लेकिन जब 3 जुलाई 2014 को फैसला आया तो मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद सज्जाद नासिक जेल में बंद था। मार्च 2016 में उसने अपनी बीमार माँ से मिलने के बहाने पैरोल की मांग रखी और पैरोल मिलने के बाद फिर वापस नहीं आया। उसकी इस हरकत से जेल प्रशासन निशाने पर आ गया था।
सज्जाद को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने खास टीम बनाई थी जो साल भर से ज्यादा उसका सुराग तलाशने के लिए कश्मीर का चप्पा चप्पा छानती रही। मुखिया इंस्पेक्टर संजय निकम ने इसके लिए अपना हुलिया भी स्थानीय लोगों की तरह बना रखा था ताकि किसी को शक न हो। सज्जाद बार बार अपना हुलिया, नाम और जगह बदल रहा था। 16 महीनों की मेहनत के बाद पता चला कि वह सोनमर्ग के पास मजदूर बनकर रह रहा है। वहां जाकर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह दंग रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मुंबई पुलिस उसे तलाशते हुए वहां भी पहुंच सकती है। सज्जाद को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए जब उसे पकड़ लिया गया तो सबसे पहले इसकी सूचना पल्लवी के पिता को दी गई।